यूडेमी के पेड कोर्सेज को अगर फ्री में लेना चाहते हो तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। एक या दो नहीं, पूरे 39 कोर्सेज आप लोगों के लिए फ्री में लेकर आ रखा हूँ। देख पा रहे हो, बिल्कुल फ्री है, कोई फेक वीडियो नहीं बनाया गया। कूपन कोड आपको मिलेगा जिसकी हेल्प से आप लोग इन कोर्सेज को फ्री में ले पाओगे। पर ध्यान रहे, ये जो भी कूपन कोड्स हैं एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही आपके कोर्स को फ्री करते हैं। तो कोर्सेज को कैसे फ्री में लेना है, कैसे सर्टिफिकेट मिलेगा, कूपन कोड कैसे अप्लाई होगा, सारी चीज़ें डिटेल में बताई जाएंगी वीडियो के अंदर। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, जिससे आप ही का फ़ायदा होगा। वो कैसे, आपको सिर्फ ना इसी को वीडियो के बल्कि आने वाली सभी वीडियो के कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे अगर आप चैनल पर बने रहेंगे। वरना अगर आप लेट वीडियो देखते हैं तो फिर आप लोगों को दिक्कत होगी कोर्स को फ्री लेने में। ये रहा आपका पहला कोर्स, पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर रहने वाला है। तो जो भी लोग पब्लिक स्पीकिंग के कोर्स लेना चाहते हैं वीडियो एंड तक देखना, बहुत सारे पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड कोर्स हैं और ये पहला कोर्स भी उसी के ऊपर है, जो कि आपका एक घंटे का कोर्स है। फुल लेफ्ट में एक्सेस यूडेमी आपको हर कोर्स में देगा, सर्टिफिकेट भी यहाँ से आपको मिल जाएगा। ये रहा इसका कूपन कोड। अब जान लेते हैं इस कूपन कोड की हेल्प से कोर्स फ्री कैसे होगा। सबसे पहले आपको कोर्स का नंबर देख लेना है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर आपको क्या होगा, नंबर के अकॉर्डिंग लिंक मिलेंगी। तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग लिंक्स पर क्लिक कर देना। जैसे ही लिंक पर क्लिक करोगे आप लोग डायरेक्टली आ जाओगे इस पेज पे। कूपन कोड ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा और आप लोगों को कोर्स फ्री दिख जाएगा। जब ये कोर्स आपको फ्री में दिख जाए उसके बाद एनरोल नाउ पे क्लिक कर देना, फिर आप लॉगिन या साइनअप कर सकते हो गूगल, फेसबुक या अपनी खुद की ईमेल आईडी की हेल्प से। मेरा यहाँ पर ऑलरेडी अकाउंट है, फटाफट से लॉगिन करके आप लोगों को आगे का प्रोसेस भी बता देता हूँ। तो जैसे ही आप कोर्स में एनरोल हो जाते हो आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। ये राइट हैंड साइड में आपको कोर्स का कंटेंट देखने के लिए मिलेगा कि कोर्स में क्या क्या सब टॉपिक्स हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। कोई डाउट आ रहा हो तो Q&A सेक्शन पर जाकर डाउट भी पूछ सकते हो। यहाँ पे आप डाउट लिख दोगे तो आपको डाउट का आंसर मिल जाएगा। सर्टिफिकेट लेने के लिए पहले कोर्स के सारे लेक्चर्स, जो कि 21 लेक्चर्स हैं, कंप्लीट करोगे तो फिर आपका इस सर्टिफिकेट का सेक्शन का जो बटन है खुल जाएगा। ये बटन यूडेमी सर्टिफिकेट वाला बटन खुल जाएगा, तो क्लिक करके आप लोग भी सर्टिफिकेट ले पाओगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा आपको नहीं देना है। और ये सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा काम का है, इंटर्नशिप और जॉब्स में तो हेल्प करेगा ही करेगा, साथ ही साथ आपकी स्किल भी डेवलप हो जाएगी। कोई और कोर्स लेना चाहते हो कमेंट कर सकते हो और वीडियो एंड तक देखना ताकि कौन से नंबर पर कौन सा कोर्स आपको पता चले। अगर आप सारे के सारे कोर्स में एनरोल करने का सोच रहे हो तो बता दूं इससे आपका यूडेमी अकाउंट बैन हो सकता है, तो ऐसी गलती मत करना। सिर्फ उन्हीं कोर्सेज में एनरोल करना जिसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। जैसे सेकंड कोर्स आपका टाइम मैनेजमेंट का मिल जाएगा पब्लिक स्पीकिंग के अंदर ही, तो वो सीख सकते हो। कोर्स बिल्कुल फ्री रहेगा, सारे कोर्स फ्री रहेंगे अगर आप वीडियो टाइम पर देखोगे। और अगर लेट करोगे तो यार फ्री की जगह कुछ ना कुछ प्राइस यहाँ पे आ जाएगा। और अगर प्राइस आ जाए फिर भी उस कोर्स को फ्री लेने का मन हो तो एक काम कर सकते हो, कोर्स का पूरा नाम इस तरीके से कॉपी करके कमेंट में डाल देना, उसके साथ लिख देना आई मिस्ड और साथ में उस दिन की डेट जिस दिन आप वीडियो देख रहे हैं। तो उससे क्या होगा, मुझे पता चल जाएगा आप लोगों से कौन सा कोर्स कब मिस हुआ है। जैसे ही नेक्स्ट टाइम कोर्स आएगा मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा। बहुत सारे कोर्स ऐसे होते हैं जो कि रिपीट करते ही रहते हैं एक या दो हफ्ते में, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और रेगुलर वीडियो देखेंगे दो हफ्ते तक कम से कम, तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। जो भी कोर्स चाह रहे होंगे वो मिल जाएगा। और अगर ना मिल पा रहा हो तो कमेंट कर देना या फिर व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगले कोर्स की तरफ चल रहे हैं। थर्ड कोर्स है फाइंड योर पैशन रिगार्डिंग कोर्स आपको मिल जाएगा, जो कि करियर डेवलपमेंट में आपको हेल्प करेगा। फोर्थ कोर्स मीडिया ट्रेनिंग का मिलेगा। फिफ्थ कोर्स इंटरव्यूइंग स्किल्स का मिलेगा। तो अगर आप जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे इंटरव्यू के रिगार्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। सिक्स्थ कोर्स यूट्यूब मार्केटिंग का मिलेगा। तो अगर आप यूट्यूब का चैनल है या आप लोग बनाने वाले हो तो आप लोग इस टाइप के कोर्स कर सकते हो जिससे आपको मदद मिलेगी आपके चैनल को ग्रो करने में। सेवन्थ कोर्स वीडियो मार्केटिंग का है। नेक्स्ट कोर्स
पब्लिक रिलेशंस का कोर्स मिलेगा, 8th नंबर पे कोर्स है, लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। नेक्स्ट कोर्स बिजनेस एटिकेट्स का कोर्स है, नेक्स्ट कोर्स पब्लिक स्पीकिंग का ही कोर्स आपको मिल जाएगा, तो वो देख सकते हो आप लोग यहाँ पे। नेक्स्ट कोर्स शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का 2022 का लेटेस्ट कोर्स आ चुका है, तो ले सकते हो आप लोग। नेक्स्ट कोर्स AWS सर्टिफिकेशन के अंदर क्लाउड प्रैक्टिशनर फंडामेंटल्स का प्रैक्टिस एग्जाम मिल जाएगा। तो एक बात ध्यान देना, जो भी प्रैक्टिस टेस्ट रहेंगे उनमें सर्टिफिकेट नहीं रहता, सिर्फ MCQ टाइप के क्वेश्चंस और आंसर्स रहते हैं। तो अगर आप किसी भी कोर्स में ये सोचकर एनरोल करते जा रहे हो यार मेरे को इसमें भी सर्टिफिकेट मिलेगा इसमें भी सर्टिफिकेट मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता है, आपको प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर सर्टिफिकेट नहीं मिलते हैं। 13th कोर्स इंटरव्यूइंग स्किल्स का मिलेगा, तो ये आपका HR के लिए कोर्स रहेगा, तो अगर आप इंटरव्यू लेते हो तो उस जगह ये कोर्स आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट कोर्स 14th नंबर पे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का मिल जाएगा, तो इसको ले सकते हो। 15th कोर्स यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर मिलेगा कोर्स। नेक्स्ट कोर्स पब्लिक स्पीकिंग का रहेगा 16th नंबर पे। 17th कोर्स प्रेजेंटेशन स्किल्स का मिलेगा, कॉन्फ्रेंस कॉल के रिगार्डिंग है कोर्स। नेक्स्ट कोर्स वॉइस ट्रेनिंग का आपको मिल जाएगा, तो वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। 19th कोर्स वेडिंग स्पीच का मिल जाएगा, तो खैर इंडिया में तो नहीं होता इतना ज़्यादा वेडिंग स्पीच, फिर भी आप सीखना चाहो तो सीख सकते हो थोड़ा बहुत। नेक्स्ट कोर्स अगेन पब्लिक स्पीकिंग का मिल जाएगा, और अगले कोर्स की तरफ चल रहे हैं जो कि 21 नंबर पे है, मीडिया ट्रेनिंग का है। नेक्स्ट कोर्स वेब होस्टिंग का रहेगा, तो फाइल शेयरिंग वेबसाइट अगर बनाना चाहते हो वेब डेवलपर के लिए एक प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्स है, तो आप लोग इसको ले सकते हो चाहो तो। फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट सीख सकते हो पावर शेल की हेल्प से। अगले कोर्स की तरफ चल रहे हैं लिंक बिल्डिंग का, 2023 का लेटेस्ट कोर्स आ चुका है, SEO वगैरह में हेल्प करेगा कोर्स। नेक्स्ट कोर्स गूगल एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन का कंप्लीट कोर्स की जो आपको यहाँ पे ज़रूरत है वो आपको मिल रहा है। नेक्स्ट कोर्स कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन कैसे होता है, CRO जिसे बोला जाता है, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। नेक्स्ट कोर्स की तरफ चल रहे हैं चैटबॉट बनाना चाहते हो तो वो यहाँ पे बना सकते हो और उससे अपनी मार्केटिंग में हेल्प कर सकते हो। नेक्स्ट कोर्स कंटेंट मार्केटिंग का 2023 का लेटेस्ट कोर्स आ चुका है। नेक्स्ट कोर्स IT सर्टिफिकेशन के अंदर CompTIA A+ का यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट है। नेक्स्ट Amazon KDP का यहाँ पे कोर्स मिलेगा जो कि SEO वगैरह में आपको हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट कोर्स लार्वल का कोर्स है जो कि आपको APIs वगैरह और ऐप बनाने में हेल्प करेगा, तो यहाँ पे ये सिक्स पैक ऐप्स की बात नहीं कर रहा मैं, ये आपके मोबाइल वाले एप्लीकेशन की बात चल रही है। नेक्स्ट कोर्स IT सर्टिफिकेशन के अंदर आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएगा CCSA का। नेक्स्ट ISO 9001 का कंप्लीट कोर्स है जो कि मैनेजमेंट वगैरह में काम आते हैं। नेक्स्ट ISO 22301 ये बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट में काम आते हैं आपके, तो आप इसको सीख सकते हो। नेक्स्ट कोर्स यहाँ पे आपको मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट के ऊपर ही कोर्स मिल जाएगा। नेक्स्ट कोर्स AWS सर्टिफिकेशन के अंदर काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट्स के कोर्स की, तो आ चुका है, फटाफट आकर एनरोल कर लेना वरना लेट करोगे तो कूपन एक्सपायर हो जाएगा। नेक्स्ट कोर्स DevOps का रहेगा, बेसिक से कोर्स मिलेगा। 38 नंबर पे पर्सनल सक्सेस का कोर्स है। नेक्स्ट और आज का आखिरी कोर्स पाइथन का है, कोडिंग सीखनी हो तो पाइथन के साथ स्टार्ट कर सकते हो, इजी लैंग्वेज है, सिंटेक्स भी काफ़ी आसान है, और सबसे बड़ी बात ये वाला कोर्स हिंदी में तो समझ पाओगे और आसानी से ले भी पाओगे। और भी हिंदी में कोर्स देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में चले जाना, लर्नमन नाम की वेबसाइट है जिसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो है, जाके चेक कर सकते हो। और कोई दूसरा कोर्स कमेंट कर देना, 24 घंटे में इस बेल आइकन पे रिप्लाई आ जाता है आप लोगों को। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।